कि आप पूरे पाकिस्तान पे हमला करने वाले हो ना, आपने पूरी फौज अपनी मोबिलाइज उस वक्त की थी, वहां से भी ले आए थे आप, तो हमें पता हुआ कि आप तो बड़े सीरियस हैं, हमला करेंगे। हमने भी अपनी फौज मूव कर दी, हम कोई बैठे हुए नहीं हैं, हमने चूड़ियां नहीं पहनी हुई हैं, हम पूरी फौज हम भी लेकर आ गए आगे, और 10 महीने तक हमने आमना सामना किया आपसे, 10 महीने तक। तो एक दफ़ा तो पता हुआ था कि आप अटैक करने वाले हैं एयर से, अपने एयरफोर्स से, उसके जवाब में हमने ओपन कह दिया था, जब अगर इन्होंने ये गलत फहमी की, अगर अटैक किया तो हमारा एयरफोर्स इमीडिएटली इनको रिस्पांस देगा, अटैक करेगा, और सुबह सवेरे एक दफ़ा और अटैक करेगा। तो जब उन्होंने ये देखा कि ये तो कोई ऐसे डरने वाले नहीं हैं, तो उन्हें वापस जाना पड़ा, और पूरी कौम ने उनको गालियां दी उनकी फोर्स को कि क्यों आए थे, क्योंकि कई 100 करोड़ रुपए उन्होंने खर्च किए मूवमेंट के ऊपर। तो ये इनको याद रहना चाहिए ये बातें, कारगिल और इस ये दो इवेंट, कि अब हमारी ये फौज है, हमारी फौज हार्डन्ड फौज है, हमारी फौज फाटा में लड़ती रही है, हमारी फौज अफगानिस्तान में जो आप कर रहे हैं वहाँ उसके खिलाफ लड़ रही है, हमारी फौज हर जगह सिविलियन सपोर्ट में है। तो ये फौज पूरी एक्सपीरियंस्ड है, हमारी एविएशन पूरी एक्सपीरियंस्ड है, आर्मी एक्सपीरियंस्ड है, दलेर आर्मी है, बेस्ट आर्मी इन द वर्ल्ड है मैं समझता हूँ। तो ये आपके पास, आप उस गलत फहमी में नहीं रहे हैं कि वही आर्मी है ये जो पहले थी। मैं आपसे यकीन कराना चाहता हूँ आपको, ये आर्मी चीफ जितने, और इनके अलावा आपके अलावा और भी पहले भी 2 एयरफोर्स चीफ भी आए थे, जो स्टेज पे आकर 500 लोगों को कह रहे थे कि हम इनको अंदर जाकर इनका खून बहाएंगे। ये किस गलत फहमी में आप कि अंदर जाकर, पहले तो अंदर आ नहीं सकेंगे आप, दूसरी बात अगर आप आ गए तो हम जाने नहीं देंगे आपको,